दो दिनों पूर्व पुष्कर मेले के दौरान कपालेश्वर महादेव मंदिर की जमीन पर लगाए गए मेगा ट्रेड फेयर को नगर परिषद ने अवैध करार देते हुए हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसका विरोध करते हुए कपालेश्वर महादेव के महंत सेवानंद ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि जिस जमीन को विवादित बताकर नगर परिषद प्रशासन दुकानदारों को तुरंत प्रभाव से हटा देने की चेतावनी दे रहा है, दरअसल उस जमीन पर न्यायालय का आदेश आत्मक स्टे ऑर्डर है, जिसमें राजस्थान सरकार, जिला कलेक्टर, स्थानीय नगर परिषद सहित सभी समक्ष लोगों को यथास्थिति बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया है। शिवानंद गिरी महाराज ने परिषद प्रशासन द्वारा उनके साथ अन्याय किए जाने के आरोप भी लगाए। महंत की माने तो इन अदालतों ने इस जमीन को कपालेश्वर महादेव मंदिर की संपत्ति मानते हुए स्टे ऑर्डर जारी किया था, जो आज भी प्रभावशाली है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि परिषद प्रशासन द्वारा हमारे दस्तावेजों को देखा तक नहीं जा रहा, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार है। शिवानंद गिरी ने कहा कि पहले उनकी जमीन में लगे मेगा ट्रेड फेयर में सैकड़ों दुकानों को हटा दिया गया और अब पिछले कुछ सालों से लगातार संचालित की जा रही दुकानों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो गलत है। अपील करते हुए कहा कि परिषद प्रशासन दुकानें हटाने की कार्रवाई करने से पहले केवल एक बार उनके पास मौजूद सभी दस्तावेज और न्यायालय द्वारा जारी किए गए स्टे ऑर्डर को देखे, उनकी जाँच कर ले। यदि फिर भी नगर परिषद प्रशासन को लगता है कि हम गलत हैं, तो पहले वो मुझे गलत साबित करे और फिर किसी भी कार्रवाई को अंजाम दे। महंत ने कहा कि कम से कम परिषद प्रशासन पहले हमारी बात तो सुने, हमें हमारी बात रखने का एक अवसर तो प्रदान करें। मामला ये है, श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट की जमीन कपालेश्वर मंदिर के गेट से ब्रह्मा मंदिर रोड के बीच में स्थित है और उसका जो खसरा नंबर है वो 3260/101, 3261/101, 3262/99, 3263/99 ये ज़मीन है और रोड के सारे पिछले 8-10 सालों से अस्थाई कच्ची टीन टप्पर में दुकानें लगी हुई है, जिसमें गरीब लोग अपना कमा के खाते हैं और थोड़ा बहुत किराया मंदिर को देते हैं, जिससे मंदिर की व्यवस्था चलती है। अभी पिछले परसों नगर पालिका आकर के जो नई दुकानें लगाई है उसको तोड़कर चले गए। उनका ये कहना था कि रेवेन्यू बोर्ड से यथास्थिति का आदेश छोड़ते हैं, जबकि जमाबंदी में जो नोट लगा रखा है वो से 2024 तक ये एग्रीमेंट है, जो मेले में हम या जो प्रदर्शनी के लिए जमीन देते हैं उसके लिए एग्रीमेंट है ये, और ये 2007 से ये 2023 तक झूले का, बोत का, कुएं का जो लगता है उसका सबका एग्रीमेंट है। हम यहाँ किराए पे देते हैं जमीन, मौत का झूला वगैरह लगाते हैं, इस बार हमको वो लगाने नहीं दिया और प्रदर्शनी लगाई, प्रदर्शनी को भी उन्होंने आकर के फाड़ के फेंक दिया और कुछ सामान उठा के जब्त करके ले गए। वो गरीब लोग दूर से आए, उनको आज तक सामान वापस नहीं दिया। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से और सरकार से, जिला कलेक्टर से और पुलिस अधीक्षक महोदय से और मेला मजिस्ट्रेट से और नगर पालिका से कि आप तोड़ दीजिए किंतु हमारे कागज़ तो देख लीजिए। यदि न्यायालय नाम की कोई चीज़ इस देश के अंदर है, कानून नाम की कोई चीज़ है, तो उसको पढ़ लीजिए और यदि हम गलत हैं तो फिर तोड़ दीजिए इसको। जमीन कपालेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के नाम है और जिन ब्राह्मणों से मेरा विवाद चल रहा था पिछले 40 सालों से, उनका सन 19 में हमारा विधि विधान से राजीनामा हो गया, कुछ जमीन उनको दे दी, कुछ जमीन मंदिर को रख ली, कोई झगड़ा नहीं है। कोई एक आदमी दूसरा आकर के वैसे ही पंगा कर रहा जो पहले ही न्यायालय में हार चुका, सब जगह उनके सारे दावे खारिज हो चुके हैं, हाई कोर्ट तक हार चुके हैं वो लोग, उनका कोई लेना देना नहीं है। केवल मुझे लगता है कि इस दुकानों को तोड़ फोड़ कर हटा कर कोई साठ गांठ करके षड्यंत्र रचा जा रहा है इस जमीन पर भूमाफिया लोगों को बिठाने के लिए, यही मुझे लग रहा है। इसलिए मेरी प्रशासन से निवेदन है कि आप हमारे कागजों को देखिए, यदि हम गलत हैं, हम नगर पालिका की जमीन में बैठे हो, रस्ते में बैठे हो, सरकारी जमीन पे बैठे हो, गैर कानूनी बैठे हो, तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जब हम विधि विधान से सही बैठे हुए हैं तो फिर हमको परेशान क्यों किया जा रहा। हमको विधि विधान से सुप्रीम कोर्ट से कब्जा मिला है, सुप्रीम कोर्ट से कब्जा मिला है जमीन का 2007 और 2009 में।
उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां तक हमारा कब्जे को तस्दीक किया गया है। और जो जमीन जमाबंदी का जहां तक सवाल है, तो देखिए ये रेवेन्यू बोर्ड का आदेश, उसके बाद ये हाईकोर्ट सिंगल बेंच का आदेश,